सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बसरस। और आज मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में आया हूँ, जमुना पार। आपको पता ही होगा, एक बुद्धिज्म टेंपल आया हूँ जो कि इस लक्ष्मी नगर में बहुत ही महाना टेंपल है। जिस एरिया में ये टेंपल है, यहाँ आसपास बुद्धिज्म लोग रहते हैं, मुझे अच्छा लगा देख के। और ये देखिए, अब यहाँ से अब हमारी टेंपल की एंट्री, मैं दिखाऊंगा आपको आर्ट, बड़ी खूबसूरत आर्ट है। और बहुत ही पीसफुल प्लेस है, पीसफुल तो होना भी चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म का जहाँ नाम आ जाए वहाँ पीस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये टेंपल आपको देखने को भी नहीं मिलेगा जल्दी आपको यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ कोई आया ही नहीं है। और मेरे को भी किसी ने बताया था तो मैं यहाँ आया। मैं एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, संडे का दिन था, तो मैं स्पेशली यज्ञ देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। बुद्धिज्म टेम्पल तो मैं कहीं गया हूँ, लेकिन मैंने यज्ञ नहीं देखा था, तो मैं यज्ञ देखने के लिए स्पेशल आया। और आपको भी दिखाऊंगा, ये देखिए इनका निशान वगैरह। और थोड़ी थोड़ी लॉर्ड महात्मा बुद्ध की आपको हिस्ट्री तो पता ही होगा, एक त्याग मूर्ति, योग मूर्ति, शांत संसारी दया सिद्ध मूर्ति, सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा आर्ट भी बीच में देखते चले, मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इनकी जरूरी भी है हिस्ट्री बताना। फिर 566 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु वर्तमान नेपाल में के लुबिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। वह शुद्धोदन और महामाया के पुत्र थे। शुद्धोदन शाक्य वंश का प्रमुख था, इसी कारण वह बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा शायद, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो। और अंदर की आर्ट इतनी प्यारी थी, अंदर की आर्ट, मैं जब बुद्धिज्म के सामने मूर्ति देखी तो मेरा वहाँ से नज़र नहीं हट रही थी। इतनी शांत और इतना पीसफुल प्लेस था, मज़ा आ रहा था एकदम, बहुत अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। और यज्ञ भी चल रहा था, उससे और भी एक वातावरण और जो वहाँ की वाइब्रेशन बड़ी खूबसूरत थी। और बुद्धिज्म की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगा, माइंड ब्लोइंग है एकदम। 29 साल की वर्ष आयु में अपना घर त्याग देने वाले महात्मा बुद्ध 7 साल तक भटकते रहे थे। और 35 साल की उम्र में निरंजन नदी के तट पर एक पीपल के पेड़, अंजीर के पेड़, फिकस धीर्म मोजोसा ध्यान करते हुए उनको ज्ञान प्राप्त किया गया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश, आपको पता होगा, वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध का शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी, मैंने कहा जरूरी है बतानी। और यहाँ से अब मैं आपको दिखाऊंगा आर्ट। ये देखिए यहाँ पे यज्ञ चलते हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब ये लोग यज्ञ कर रहे थे। समझ तो नहीं आया मुझे, आया क्या कह रहे थे, लेकिन यज्ञ बड़ा प्यारा चल रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने क्लिप ले लिया इनका छोटा छोटा। और ये देखिए सामने बुद्धिज्म, ये एंट्री गेट है, यहाँ से अभी हम बाहर चलेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं आपको छत पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे टॉप पे मुझे किसी ने बताया कि ऊपर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ की सामग्री कलेक्ट कर रहे थे वो लोग। अभी यज्ञ होने वाला है, यहाँ से आ गया अब मैं ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ ये सामने ही ये रंगोली थी, और थोड़ी सी आर्ट देखते हुए यहाँ की आर्ट है ऊपर, बड़ा खूबसूरत टेंपल बनाया गया। और ये है सामने सामग्री, यहाँ पे एक शायद एक डेढ़ दो घंटे में बाद यहाँ पे यज्ञ होना है बहुत बड़ा। ये सारी सामग्री उस यज्ञ में यूज की जाएगी, देख सकते हैं ये उसी चीज के। यहाँ पे मुझे एक आंटी मिली बुद्धिज्म, बहुत अच्छी आंटी है, मेरे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा आंटी से। बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी यहाँ की, मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा यहाँ आने का। और ये यहाँ से आर्ट दिखाते हुए मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए। और प्लीज़ गाइस, मुझे ज़रूर बताना कि इस क्या अच्छा लगा आपको, इसमें आपको क्या आर्ट अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, दैट इट्स एंड ऑफ आवर वीडियो। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।